जी गांव लम्बन में जहां अशोक जी के घर आए हैं, जिनके सुपुत्र साहिल शर्मा जी ने आज नीट का एग्जाम जो है बड़ी मेहनत से और बड़े अच्छे मार्क्स लेके 550 मार्क्स लेके जो क्लियर किया, बड़ी खुशी का मुकाम आज इस गांव के लिए और खासकर हम लोगों के लिए। जहां पर मेरे साथ मैं DDC सुंदरबनी राजेंद्र शर्मा और मेरे साथ DDC शेरी मैडम संगीता जी और उनके साथ हमारे जो जिला रजौरी के सह प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के और डिस्ट्रिक्ट प्रधान भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन बालकिशन जी और मंडल प्रधान देवक, मंडल प्रधान मोगला और मंडल प्रधान सुंदरबनी, सारे जो और भी जो जिला पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ यहाँ इस घर में इस बच्चे को साहिल को मुबारक देने के लिए आए हुए हैं। और बड़ी खुशी का मुकाम है जी हमारे लिए, खास करके मैं इनके फादर को और इनकी मदर को और जहाँ के पड़ोसियों को सबको अपनी दिल की गुराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये कहता हूं कि जहां के और भी जो बच्चे हैं आगे पीछे के, इन बच्चों से खासकर सीख लेनी चाहिए। पहले हम जहां सुहानी राजपूत के घर गए हुए थे, उन्होंने भी टॉपर आई है, जहां से पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैटर का जो 99.8% मार्क्स लिए हैं। और आज उन्हीं के साथ उसी महल्ले के साथ दूसरे महल्ले में जो साहिल शर्मा जी, जिन्होंने नीट अपनी मेहनत पर और गरीबी के लिहाज से भी और इतने मार्क्स लेकर, इतने अच्छे मार्क्स लेकर जो क्लियर किया, बहुत बहुत मुबारक हो इनके पेरेंट्स को और खासकर इस गाँव को और जहाँ के सब एरिया के जितने भी लोग हैं इस एरिया, सब लोगों को हमारी तरफ से मुबारक हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, जिसमें हमारे जो दोनों DDC के मेंबर हैं, श्री दोनों DDC मेंबर आए हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सीनियर टीम जो कि जिले में जिला प्रधान जी हमारे आए हैं, हम ये एक लोगों को एक मिसाल देना चाहते हैं कि पैसे के लिहाज से, पैसे के दम पर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही गरीब परिवार से बच्चा संबंध रखता है, इसके पिताजी लेबर का काम करते हैं और ये सब हमारे गांव के लोगों के लिए, हमारी पंचायत के लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारे बच्चों के लिए एक आदर्श है, जिसने घर में रहते हुए लॉकडाउन के दौरान अपने मोबाइल के ऊपर नीट की क्लियर की है एग्ज़ाम। और नीट का बहुत टफ कंपटीशन होता है और इसको रजौरी मेडिकल कॉलेज में अभी ये पढ़ रहा है। हम भगवान से और पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस लड़के को, इसके माँ बाप को, इसके दादा को, इसकी दादी को, क्योंकि इस किस्म का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जब तक पूरे परिवार का सहयोग नहीं हो तो इस लेवल पर नहीं पहुंचा जा सकता है। मैं इसके पूरे परिवार को, इसके पूरे ख़ानदान को दिल की गहराइयों से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दोनों अपने DDC मेंबरों की तरफ से, अपने जिला प्रधान की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये खाली MBBS ना करे, ये हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में इसकी गणना हुए, ऐसी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लम्बन में अशोक जी के घर पहुँचे हैं हमारे साथ DDC सुंदरबनी राजेंद्र जी, जो हमारे एक्स जिलाध्यक्ष थे कैप्टन सोम जी, जिलाध्यक्ष कैप्टन बालकृष्ण जी और पूरी जो मंडल की टीम है, मंडल प्रधान हैं सुंदरबनी के और भी अलग अलग जिलों के मंडल प्रधान और पूरी जो क्रीम है BJP के। तो आज हम यहाँ पर अशोक जी के जो बेटे हैं साहिल जी, इन्होंने नीट जो है वो क्वालिफाई किया है बिना कोचिंग के। आप देख रहे हैं कि एक ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिना कोचिंग इन्होंने जो नीट क्वालिफाई किया है, हम सब यहाँ पर इनको मुबारकबाद देने के लिए इनके घर पहुँचे हैं और हम इनको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इतना अच्छा इन्होंने बिना कोचिंग के इतना अच्छा करके दिखाया है। तो इनके माता पिता को भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने बच्चों की इस जो इन्होंने आज नीट क्वालिफाई किया है, इसके लिए उन्होंने इसका बहुत साथ दिया है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये एक अच्छे डॉक्टर बने, इनका जो एम है लाइफ में, भगवान इनके जो एम है उसको उनकी मंजिल तक जरूर पहुँचाएँ। और हम सबको एक बार फिर से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने लम्बन का नाम रोशन कर दिया है, पूरे जिले का नाम रोशन किया है कि बिना कोचिंग के हमारे बच्चे यहाँ के इतना करके दिखा रहे हैं। आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत बड़े कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग लेते हैं, कई बार तब भी जाके नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन इस बच्चे ने तो एक मतलब मिसाल जो है वो पेश की है। मिडिल क्लास फैमिली से उठकर बिना कोचिंग के घर पर ही इन्होंने जो है वो पढ़ाई करके नीट क्वालिफाई किया है। आपने देखा कि पहले हम यहाँ की एक लड़की 10th में उन्होंने 99% मार्क्स लेके 10th में जो है वो अपने गाँव का नाम रोशन किया। इस गाँव से कितने अच्छे बच्चे जो हैं, मतलब स्टार बच्चे हमारे उभर रहे हैं। तो इन्होंने ना कि अपने गांव का बल्कि डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। हम इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे आगे भी ये इसी तरह
मेहनत ईमानदार मेहनत से मतलब लगन से अपना जो है परिश्रम करते रहें, भगवान इनको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी की टीम सुंदरबनी मंडल, जो कि मेरा मंडल है, जहां के एक युवा जिन्होंने बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, एक मिडिल क्लास फैमिली के होते हुए बिना कोचिंग के इन्होंने नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है। अभी जे MBBS के लिए रजौरी में अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं इनको और इनके परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और साथ ही साथ इनके टीचर साहबान जिनका पूर्ण सहयोग रहा, परिवार का सहयोग रहा, और साहिल जी की अपनी मेहनत जिन्होंने बिना कोचिंग के और इस मिडिल क्लास से होते हुए भी, जैसे कि मैडम जी ने कहा कि बहुत सारे लोग कोचिंग लेते हैं उसके बाद भी नीट का एग्ज़ाम जो है वो उनका सक्सेस उनको नहीं मिलती है, तो साहिल जी ने जो मेहनत की है, और सुंदरबनी के लोगों को, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं कि साहिल जी से कुछ सीखने की ज़रूरत है। मेहनत जो है वही रंग लाती है, ये साबित होता है साहिल जी की मेहनत से। और मैं साहिल जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि साहिल जी का भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो, अच्छी मेहनत करे और इस सुंदरबनी का नाम रोशन करे। धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पर आई और मुझे इन्होंने प्रोत्साहित किया। इसके साथ मैं सभी युवाओं को और सभी स्टूडेंट्स को ये गाइड करना चाहूँगा कि अपने जीवन के एम्स को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करिए। वो एम्स अगर पढ़ाई की तरफ है तो पढ़ाई की तरफ, अगर खेल की तरफ है तो खेल की तरफ, अपने आप को पूरी तरह से आपको डिटर्मिन करना है और अपने एम्स को अचीव करने के लिए जितना हो सके कंटिन्यूस पढ़ाई करनी चाहिए, और तभी क्योंकि डिसिप्लिन ज़रूरी है, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये दोनों मेरे लिए एक तरह के सोर्सेस रहे हैं जिनके ज़रिए मैंने अपने इस एम को अचीव किया। थैंक यू। हम पूरी BJP टीम, खासकर DDC दोनों जो हमारे सुंदरबनी से और लिम्बेड़ी से हैं, इनका धन्यवाद करना चाहते हैं, और जितने भी बाकी सभी इनके साथ आए हैं सभी का थैंक यू, वेलकम। जितने भी हमारे होनहार बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि ये बिना जितने भी मेहनत करें इसी क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे गांव और देश का नाम रोशन करें और हमारे ज़िले का नाम रोशन करें। ठीक है, थैंक यू।